नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं इंदौर की 90 साल पुरानी क्लार्क मार्केट मर्चेंट्स एसोसिएशन संस्था के सचिव या मंत्री कहे जाते हैं संस्था में, मंत्री श्री हंसराज जैन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में मंत्री जी। धन्यवाद। आखिर क्या नौबत आई कि 90 साल पुरानी इंदौर की सबसे प्रतिष्ठित संस्था श्री क्लार्क मार्केट मर्चेंट एसोसिएशन तुकोजी राव क्लार्क मार्केट मर्चेंट एसोसिएशन के दफ्तर में आपको बाउंसर बैठाने पड़े? क्यों बैठाए? संस्था को बचाने के लिए हमारी मजबूरी हो गई थी, क्योंकि पिछले 7-8 माह से जो घटनाक्रम चल रहे हैं उसकी जानकारी पूरे इंदौर शहर को है। हमें बड़ी वेदना के साथ ये निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि जैसी शनिवार को घटना हुई थी कि कुछ लोग कमेटी में कार्यालय में घुसकर उन्होंने हमारे सामने ही तिजोरी खोल ली और वो कमेटी पर कब्जा करना चाहते थे। हमने दूसरे रोज कार्यकारिणी सभा की मीटिंग बुलाकर यह निर्णय लिया कि इसकी सुरक्षा करना अत्यंत आवश्यक है, और हमने सर्वानुमति से 2 सिक्योरिटी वाले लोग बाउंसर वहाँ पे कार्यालय समय में रख दिए हैं, ताकि कार्यालय के कर्मचारी जो कि काफ़ी भयभीत हैं, यदि उनको नहीं भयभीत हैं, किससे भयभीत हैं कार्यालय जो आपको जैसे कि जानकारी है, कार्यकारिणी सभा के कुल 21 सदस्य हैं, उसमें से पहले 16 सदस्य मेरे साथ थे, अब 17 हैं। 4 सदस्य मिलकर बाजार का माहौल खराब कर रहे हैं, उसमें विशेष रूप से अध्यक्ष महोदय अपनी मनमर्जी से सब काम करना चाहते हैं। झगड़ा और किसी बात का नहीं है, झगड़ा सिर्फ इस बात का है कि मैं करीब 31 सालों से संस्था में मंत्री का दायित्व निभा रहा हूं, लेकिन सभी काम सबसे पूछ कर सबको साथ में समन्वय से लेकर कार्यकारिणी के मेंबरों की सहमति, सर्वानुमति या बहुमत, दो में से एक ही काम से संस्था चलती है। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं अपनी मर्जी से सब काम करूं और कार्यकारिणी उस पर मोहर लगा दे, तो वो असंभव है। हमारे अध्यक्ष महोदय का शुरू से यह उनका सोच रहा, शुरू से जब अध्यक्ष का चुनाव हुआ उसके तुरंत बाद विभिन्न समितियां गठित की जाती है हमारे यहाँ, उसमें भी हमने उनको काफ़ी समझाया कि कार्यकारिणी के मेंबरों को साथ लेकर ही आप समिति गठित करिए। मनमर्जी क्या केवल अपने 4-5 सदस्यों को ही लेकर काम कर? हाँ, वो सिर्फ 4 सदस्यों को लेकर ही काम करना चाहते हैं, और उसमें भी 4 सदस्यों में से 3 सदस्य जो हैं काफ़ी सालों पुराने और निष्क्रिय हैं। उन्हें कभी अध्यक्ष महोदय चाहते हैं जो मैंने बोल दिया वो आखिरी है, लेकिन कार्यकारिणी तो भंग हो चुकी है, तो आप कैसे मंत्री बने? कार्यकारिणी भंग करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, न अध्यक्ष को कार्यकारिणी को भंग करने का अधिकार। मैं आपको विधान का यदि विधान के बारे में बताऊं तो कार्यकारिणी समिति को साधारण सभा भी भंग नहीं कर सकती है। पहली बात तो ये कि जो उन्होंने असाधारण सभा बुलाई थी वो ही असंवैधानिक थी। आप जानते हैं कि उसके भी 2 तरीके हमारे यहाँ असाधारण सभा बुलाने के, या तो कार्यकारिणी सभा बुलाएगी, या संस्था के जैसे 850 मेंबर हैं तो 85 लिख कर देंगे और वो लिख कर कार्यकारिणी को देंगे। ऐसा स्पष्ट प्रावधान है कि कार्यकारिणी उसके प्रतिवेदन पर विचार करेगी, और यदि कार्यकारिणी नहीं बुलाती है तो वो 85 लोग बुला सकते हैं। अध्यक्ष और मंत्री को बुलाने का अधिकार हमारे संविधान में नहीं दिया गया। 10% सदस्य चाहे तो असाधारण सभा बुला सकते हैं, यदि कार्यकारिणी नहीं बुलाती है तो। पर अध्यक्ष मंत्री को कोई अधिकार नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने बहुत सोच समझ के संविधान बनाया था। इस संस्था में बाल कृष्ण जी भैया साहब, बाबूलाल जी भाईटी, पाटोदी जी बाबूलाल जी, हरिकृष्ण जी मुच्छाल, राजमिल जी भैया साहब, नागर साहब सरी के लोग रहे हैं, और मैंने इन सबके साथ काम किया है। मैं नियम के विपरीत कोई काम करना पसंद नहीं करता हूँ। साथ ही कार्यकारिणी के मेंबरों को आपसी सहमति से, या मान लो कभी विरोध होता भी है तो उनको समझाने का प्रयास किया जाता है, या फिर बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि 4 आदमी निर्णय ले ले और 17 को उसको मानना पड़े। ये तो हास्यास्पद बात है कि असाधारण सभा में उन्होंने प्रस्ताव कर दिया और हम लोग बाहर हो गए, लेकिन यदि उनमें थोड़ा भी वो होता तो वो कार्यकारिणी पूरी भंग करते तो एक सम्मान दिखता उनका। लेकिन उन्होंने क्या किया कि 16 आदमी भंग, हम कायम है और हम कोऑप्शन करके नया मंत्रिमंडल बना लेंगे बिना व्यापारियों की सहमति के। उस रोज प्रकाश जी मैं बताऊं आपको, उस रोज की पूरी वीडियोग्राफी मेरे पास मौजूद है। उसमें सिर्फ 60 से 65 लोग मेंबर थे, बाकी नॉन मेंबर बैठे हुए थे, और उसमें कुछ भी प्रस्ताव पास कर लेना
पहली बात तो है कि मीटिंग जब असंवैधानिक है तो उसमें लिए गए निर्णय संस्था पर बंधनकारक हो ही नहीं सकते हैं। आपका कहना है कि 17 सदस्य आपके साथ हैं कार्यकारिणी के जी, तो और आपने जो बाउंसर बैठा है इंदौर के एक बिल्डर के जहां वो काम करते हैं उन बाउंसर को आपने बुलाया है? नहीं नहीं, बिल्डर के नहीं साहब, तो सिक्योरिटी जो एजेंसी है उनसे मंगवाए मैंने। ये कहते हैं कि सारी मीटिंग जो आपकी कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो तो आपके दुकान पे बैठ के मीटिंग करते हैं सारंगा साड़ी में। आज तक मीटिंग कभी भी कार्यकारिणी की मीटिंग कमेटी सभागृह के अलावा कहीं पे भी नहीं हुई है। बाकायदा उसके प्रोसीडिंग लिखे जाते हैं, पिछली मीटिंग के प्रोसीडिंग पास किए जाते हैं, उसकी बाकायदा सूचना निकाली जाती है। हमारे अध्यक्ष महोदय जरूर ये काम करते हैं कि बिना सूचना निकलवाए मीटिंग कर लेते हैं, 5 आदमी पे भी मीटिंग कर लेते हैं जबकि कोरम 7 आदमी का है। 7 के बिना कभी कोई मीटिंग हो नहीं सकती है। 5 आदमी के साथ उन्होंने पिछले समय में 4 मीटिंगें की है जो कि पूरी तरह असंवैधानिक है। आपकी संस्था से जुड़ी हुई संस्थाएं बहुत सारी है, बहुत सारे कॉलेज चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, नर्सिंग कॉलेज है, प्रोफेशनल कॉलेज है, क्लॉथ मार्केट हॉस्पिटल चलाते हैं, बड़े आरोप लगते हैं इन संस्थाओं पे। प्रेम भारती जी ने भी यहाँ इस कार्यक्रम में कहा था कि इन संस्थाओं में बड़े गड़बड़ झाले हो रहे हैं, डोनेशन मांगा जाता है एडमिशन के लिए, क्लॉथ मार्केट कॉलेज में विस्तार करना चाहिए, वहाँ जो गेस्ट मेहमानों के अटेंडेंट मरीजों के अटेंडेंट के रुकने की जगह थी वहां पर होटल बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये मिथ्या आरोप है। बोलने से क्या होता है, बोलने को तो मैं भी बहुत सारे आरोप लगा सकता हूं उनका। क्या आरोप लगाना चाहते हैं, लगा दीजिए। नहीं नहीं, लगाना मैं लगाऊंगा तो जो भी लगाऊंगा वो वास्तविकता से मेल जोल खाएंगे, लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसमें कहीं भी वो एक आइडेंटिफाई आरोप लगाए ना, उसकी जांच करवा लेंगे। हमारे हर संस्था की बैलेंस शीट ऑडिट होती है, पैसे को कोई भी हाथ नहीं लगाता हमारी संस्था में। हमारी संस्था में हर जगह कर्मचारी पैसे को हाथ लगाते हैं और हमारी संस्था में बुजुर्गों ने जो नियम बनाए हैं उसके अंतर्गत अधिकतर 99% पेमेंट चेक द्वारा ही किया जाता है, तो इसलिए कोई भ्रष्टाचार का या इस प्रकार का, आपने जैसा कहा कि कॉलेज में एडमिशन के लिए डोनेशन लेते हैं, हमारी किसी भी संस्था में कपड़ा मार्केट की, वैष्णव ट्रस्ट और कपड़ा मार्केट अलग अलग है। वैष्णव ट्रस्ट एक अलग संस्था है और कपड़ा मार्केट का अपना एक अलग ट्रस्ट है। वैष्णव ट्रस्ट में भी जो वो पैसे लेते हैं एडमिशन पे, तो वो जो गवर्नमेंट ने उनको इजाजत दे रखी है इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट कोटे की सीटों के लिए, उसके पैसे वो लेते हैं और उसकी रसीद देते हैं। इसके अलावा हमारी किसी भी कपड़ा मार्केट से संबंधित संस्था में एक भी पैसा डोनेशन के लिए नहीं लिया जाता है। आपकी संस्था क्या क्या काम करती? कई दर्शक हमारे ऐसे जो इंदौर में नए आए हैं या कम उम्र के हैं जो क्लॉथ महाराजा तुकोजीराव क्लॉथ मार्केट मर्चेंट एसोसिएशन से परिचित नहीं है, तो क्या क्या काम कर रही है हमारी संस्था? जब से बच्चा जन्म लेता है उससे लेके आखिरी मृत्यु तक की सभी सेवाएं प्रदान करती है। बच्चा पैदा होता है उसके लिए क्लॉथ मार्केट हॉस्पिटल हमारे यहाँ मौजूद है, उसमें सभी विभाग हैं। उसके बाद पढ़ने के लिए हमारे पास में कपड़ा मार्केट से संबंधित क्लॉथ ब्रोकर के 2 स्कूल है, बाल विनय मंदिर छत्रीबाग देवेल्या शिशु विहार। लड़कियों का एक स्कूल हमारे क्लॉथ मार्केट का ही है। जब आज से 55 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने दूरदृष्टि थी, आज सरकार चेती लड़कियों की शिक्षा के बारे में, 55 साल पहले ही कन्याओं के लिए उन्होंने स्कूल खोल दिया था और उसी परिसर में एक कन्या महाविद्यालय भी है और एक लड़कियों के लिए प्रोफेशनल कॉलेज भी है। उसके अलावा क्लॉथ मार्केट हॉस्पिटल 200 बेडेड है, नर्सेज ट्रेनिंग कॉलेज है और जो भी दवाई के लिए भी हम लोग मदद करते हैं, साथ ही वैष्णव ट्रस्ट भी काफ़ी मदद करता है, लेकिन इसके अलावा कोई भी हमारे से खाली नहीं जाता है। हमारे बुजुर्गों ने ऐसी परंपरा बनाई है कि हम यदि मीटिंग भी करते हैं तो उसका खर्चा भी टर्न वाइज कार्यकारिणी के मेंबर देते हैं, संस्था में एक भी पैसा नामे नहीं मरता है। तो ऐसी संस्था में यदि वो आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार होता है तो वो तो बताएं कि किस चीज में भ्रष्टाचार है, खाली कहने से कोई काम नहीं चलता है। यानी संस्था की कार्यकारिणी की बैठक होती है तो उसमें चाय वगैरह मंगाई जाती है, सदस्य अपने पैसों से पीते हैं? टर्न वाइज पैसा देना पड़ता है। उसमें हमारे यहाँ बुजुर्गों ने नियम बना रखा है, यहाँ तक कि हमारी क्लॉथ मार्केट कोऑपरेटिव बैंक है वो भी कोई भी सदस्य उसमें भत्ता नहीं लेता है जबकि सरकार के द्वारा ये स्वीकृत है। आज मेरे को भी 38 साल हो गए बैंक में, वर्तमान में मैं अध्यक्ष हूँ, लेकिन हमारे कोई भी डायरेक्टर खाली सेवाएं देते हैं, अपना टाइम देते हैं, उससे सम्मान मिलता है, एक सम्मान के खातिर ही वो लोग अपनी सेवाएं देते हैं, बाकी आर्थिक लाभ कुछ भी नहीं है। न तो वो लोन ले सकते हैं, न उनका परिवार का भी कोई लोन ले सकता है। ऐसा नियम सरकार ने बना रखा है। आपकी संस्था और क्या क्या काम करती है? आपने कहा
स्कूल खोल रखा है, अस्पताल खोल रखा है। हमारे संस्थागत सबसे बड़ी जो रीढ़ की हड्डी है वो हमारा है आर्बिट्रेशन बोर्ड, उसके अंदर हम अपने व्यापारियों का जो लेन देन होता है वो पंच फैसले से निपटाते हैं और उसकी पूरी मान्यता पूरे देश में है। आज इस संस्था की साख गरिमा पूरे हिंदुस्तान में इसका नाम चलता है और पूरे इंदौर के व्यापारिक संगठन इसकी ओर बड़ी इज्जत से देखते थे। पिछले 6 महीनों में ही ये पहली बार ऐसा मौका आया है कि लगातार प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में संस्था की छवि लगातार धूमिल हो रही है। कुछ लोगों ने संस्था को दाव पे लगा दिया है जो कि पूर्णतया अनुचित है। व्यापारियों में भी इसको लेकर काफ़ी रोष है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं व्यापारी कौम शांतिप्रिय होती है, वो फालतू फंदे में पड़ना नहीं चाहती है, इस कारण से वो इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। वैष्णव ट्रस्ट के किराएदारों का भी झगड़ा चल रहा है, आपकी सहायक संस्थाओं में बड़े विवाद क्यों चल रहे हैं इतने? हमारे अध्यक्ष महोदय, ये किराएदार संघर्ष समिति बनी थी, कुछ अचानक ट्रस्ट ने किराए में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी के लिए आवेदन दिए थे, लोगों को नोटिस दिए थे, उसके कारण उस वक्त इन लोगों को भी संगठित मैंने किया था क्लाथ मार्केट मर्चेंट एसोसिएशन में। 3 मीटिंगें मैंने ली थी और मैंने ट्रस्ट वालों को काफ़ी उसके अंदर भला बुरा भी कहा था। सभी व्यापारी को मालूम है कि 3 मीटिंग संगठित मैंने किया, लेकिन चूंकि मैं उस ट्रस्ट में किराएदार नहीं था और हमारे अध्यक्ष महोदय के पास टोटल वैष्णव ट्रस्ट की दुकानें ही किराए से है, इसलिए वो उसके समिति के अध्यक्ष बने, लेकिन उन्होंने 18 महीने तक उस काम को उलझाए रखा। आज तक एक बार भी चर्चा करने नहीं गए क्योंकि उसका उनको राजनीतिक फायदा मिलता है। जो अध्यक्ष का चुनाव हुआ उसमें वो इतने अधिक मतों से जीते इसी कारण थे कि सामने जो उम्मीदवार था वो वैष्णव ट्रस्ट के ट्रस्टी थे और वैष्णव ट्रस्ट के किराएदारों ने एक तरफा वोटिंग किया क्योंकि उनकी पेट का सवाल था। उसके बाद मैंने काफ़ी प्रयत्न करके पिछले कुछ महीनों पूर्व मैंने ट्रस्टियों से काफ़ी लंबे समय तक बात की और वो 2 गुना और सर्विस टैक्स लेने को तैयार हो गए। कुछ लोगों ने दे भी दिया, लेकिन जब इनको पता पड़ा तो इन्होंने जाकर एक एक दुकान पर लोगों को चमकाया कि आप गद्दार हो, कई लोगों को साथ लेकर गए, तो इस कारण लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन उन्होंने उचित फैसला कर दिया है क्योंकि ट्रस्ट की दुकानें काफ़ी पुरानी हैं, 2 गुना और सर्विस टैक्स लेने को वो तैयार हैं। मेरा कोई रोल नहीं है उसमें, वैष्णव ट्रस्ट अलग चीज है, क्लाथ मार्केट मर्चेंट एसोसिएशन अलग है, लेकिन अध्यक्ष कपड़ा मार्केट के व्यापारी से मेरा संबंध है और 100-125 लोग हैं तो, और उन्होंने कहा मुझे कि हम ये काम निपटाओ अंशुभिया, तो मैं गया, नहीं तो यदि व्यापारी चाहे तो मैं उस काम से हमेशा के लिए हाथ खींच सकता हूँ। असाधारण सभा में 16 सदस्यों को बाहर कर दिया गया था, उसमें आप भी थे? हाँ, मैं भी था ना साहब। अच्छा, असाधारण सभा बुलाने का अधिकार सिर्फ कार्यकारिणी को है, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया 10% लोगों को है। दूसरा एक इसमें यह भी है कि कार्यकारिणी समिति का विघटन, हाँ। मैं आपको पढ़कर जरा सा सुनाना चाहता हूँ। कार्यकारिणी समिति का विघटन करने का न तो अध्यक्ष को अधिकार है न ही साधारण सभा को अधिकार है। अगर कोई सदस्य नियम का पालन नहीं करता या नियम के विरुद्ध कार्य करता है तब कार्यकारिणी समिति उसकी सदस्यता समाप्त कर सकती है, पर उसके लिए एक मौका देकर उसे सफाई देने की अधिकार, उसको सफाई देने का अधिकार है। अगर कार्यकारिणी समिति के सदस्य की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है तो उसी कार्यकारिणी समिति में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यदि कार्यकारिणी समिति उस सदस्य की सदस्यता समाप्त कर देती है तो वो पद पे भी नहीं रह सकता और कार्यकारिणी में भी नहीं रह सकता है, ये स्पष्ट प्रावधान यानी इस संस्था में आप मंत्री हैं और अध्यक्ष आपके अपोजिट ग्रुप के हैं और संघर्ष चल रहा है कि कौन ज्यादा पावरफुल है और आपको लगता है कि आप पावरफुल हैं? यदि ऐसा लगता है कि उनके साथ व्यापारी हैं तो या दो तरीके हैं, तो यदि उन्होंने सभी निर्णय सही लिए हैं तो वो कोर्ट में जाए, आदेश लेके आए। मैंने कल भी मार्केट में घोषणा की बगैर कोर्ट के आदेश के ही वाकई आपकी तिजोरी खोल रहे थे, नहीं तो इसीलिए तो मैंने व्यवस्था कर दी उसकी। कोर्ट से आदेश लाए, हम 17 ही आदमी उनका स्वागत करेंगे हार फूल से और कमेटी का कब्जा दे देंगे। या दूसरा तरीका यह कि जब अगली बार चुनाव हो, जब वो वापस खड़े हो और उनके यदि 11 से अधिक आदमी जीत के आते हैं तो उनका बहुमत है, प्रजातंत्र में तो यही होता है सर। आप 31 साल से मंत्री हैं इस सचा, हाँ। इस संस्था के हंसराज जी, आप 31 साल से मंत्री हैं, कौन कौन से अध्यक्ष के साथ आपने काम किया? मैंने सबसे पहले बाबूलाल जी भाईती के साथ काम किया, उसके बाद हरिकृष्ण जी मुच्छाल के साथ काम किया, उसके बाद गिरधर गोपाल जी नागर के साथ काम किया। ये सभी इंदौर के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यापारी नेता हैं। बाबूलाल जी पाटोदी पद्मश्री से भी नवाजे जा चुके हैं। जी, बाबूलाल जी पाटोदी ब्रोकर एसोसिएशन में थे जी, वो क्लाथ मर्चेंट एसोसिएशन में सिर्फ कार्यकारिणी सदस्य थे, पर उन्होंने ही मुझे
इस क्षेत्र में लाया समाज सेवा के क्षेत्र में, वो मेरे वास्तव में मुझे ये प्रेरणा देने वाले ही पद्मश्री पाटोदी जी थे और उन्हीं के कारण मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। हरि कृष्ण जी मुछाल के बारे में कहते हैं कि वे अपनी जुबान के इतने पक्के थे कि एक बार व्यापार में भारी घाटा होने पर उन्होंने अपनी करोड़ों की कोठी बेच दी लेकिन अपनी बात से नहीं मुकरे, ये बात सही है? निश्चित रूप से साहब, मुच्छाल जी के नाम से ही ये कपड़ा मार्केट पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है, मुच्छाल भाईती के नाम से, जिन्होंने अपनी बात का इतना मान रखा। उन लोगों के साथ मैंने काम किया है तो आप भी खुद विचार करें कि मैं कोई गलत कार्य कभी भी नहीं करूंगा। और ज्यादातर अध्यक्ष महोदय का सवाल है, वो प्रोपोगंडा करते हैं। ये लोगों को ये भ्रम है कि संस्था के पास बहुत पैसे हैं, संस्था के पास व्यापारियों की संस्था, वही इंदौर के जो देश के सबसे बड़े कपड़ा मार्केट में से एक है, उस कपड़ा मार्केट के व्यापारी के पास बहुत पैसा है। कपड़ा मार्केट एसोसिएशन का जहां तक सवाल है, उसका बजट करीब 25 लाख से ऊपर नहीं है। बाकी जो पैसा पहले आता था सालों से लागत के रूप में, वो ट्रस्ट में जाता था और उसी से ये अस्पताल और स्कूलों का निर्माण हुआ है। आज भी अस्पताल में यदि कोई जरूरत पड़ती है तो उस ट्रस्ट से पैसे जाते हैं। बुजुर्गों ने ऐसा नियम बना दिया कि उस पैसे को दूसरे किसी काम में नहीं ले सकते हैं। अस्पताल का पैसा अस्पताल में ही जाएगा और शिक्षा का पैसा शिक्षा में ही जाएगा, उसको हम कमेटी के कार्यों में उपयोग नहीं कर सकते, स्पष्ट प्रावधान है वो। जी, तो अस्पताल के विस्तार के लिए क्या काम चल रहा है अभी? अस्पताल के विस्तार के लिए लगातार कार्य चल रहा है। पिछले साल भी ट्रस्ट द्वारा 60 लाख रुपये वहाँ दिए गए और आप कभी वहाँ पधारे अस्पताल देखें, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत पैसे वाले लोग तो आते नहीं है और उनके लिए हमने अस्पताल बनाया भी नहीं है। अस्पताल में हमारे यहाँ बहुत ही कम आय वर्ग वाले लोग, मिडिल क्लास के लोग आते हैं और अपना बड़ी सस्ते दरों पर इलाज करा के जाते हैं। उसमें से भी यदि किसी को तकलीफ होती है तो हम इधर उधर से उनकी मदद करके उसका इलाज कराने का प्रयत्न करते हैं। सर, एक न्यू क्लास मार्केट बन रहा है, उसकी स्थिति कहाँ है, कहाँ पहुँचा? न्यू क्लास मार्केट बन रहा था जी, न्यू क्लास मार्केट करीब 22-23 साल पहले आदरणीय पाटोदी जी और भाईती जी की परिकल्पना थी। हालांकि पहले हमने मुख्यमंत्री से कहा था कि हमें जमीन दी जाए, लेकिन उस वक्त जमीन अवेलेबल नहीं थी और मध्य प्रदेश शासन ने एक समिति बनाई थी, उस समिति ने इस जमीन को खरीदने की रिकमेंड की थी और हमने ये जमीन खरीदी। हमारा दुर्भाग्य है कि कई कारणों से ये मार्केट इतना साल हो गया, अब जाके उसका कुछ रास्ता लगा। इसमें कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट भी आ गए बीच बीच में जो रुकावट खड़ी करते हैं। शुरू में तो ये हुआ साहब कि 5 साल तक लगातार पूरे मार्केट का कमर्शियल नक्शा पास होता रहा जी। अचानक हमारे ही एक अंशधारी ने शिकायत कर दी, उसके कारण वो नक्शा रिवाइज होकर 15 रोज में दूसरा नक्शा हमें मिल गया। लेकिन उसमें हमारे साथ में ये हुआ कि 6.75 एकड़ जमीन ग्रीन बेल्ट में हो गई, क्योंकि वो प्रपोज मास्टर प्लान में कमर्शियल थी और वो पास नहीं हुआ बाद में, तो उसके कारण हमारे मेंबर ज्यादा है और प्लाट कम निकले, तो उसके कारण हम इतने साल रुके रहे। उसके बाद उसी सदस्य ने 10-12 केस लगा दिए हम पे, उन केसों से निपटे हम। उसके बाद उसने आर्थिक अपराध में दर्ज करवा दिया मुकदमा, उसकी जान पहचान थी इसलिए उससे भी हम निपटे और हमको आर्थिक अपराध से भी क्लीन चिट मिल चुकी है। मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि 6.75 आर्थिक अपराध हटने के बाद ही मैं कुछ निर्णय ले पाऊंगा, ऐसा पत्र उनका हमारे पास मौजूद है। और 23 क में हमने नया आवेदन सरकार ने मांगा है हमसे निर्धारित प्रारूप में, वो हमने भेज दिया, एक महीना हो चुका उसको। लेकिन व्यापारियों ने साधारण सभा में 22 साल होने के कारण काफ़ी आक्रोशित थे और उन्होंने ये निर्णय लिया है पिछले 2 साधारण सभाओं में कि जो प्लाट हैं उसी में से हमको कुछ योजना बना के और सब सदस्यों को निपटा दिया जाए। वो योजना हमने बना ली है, उसकी स्वीकृति भी ले ली है सदस्यों से और 28 जुलाई को क्लाथ मार्केट कन्या विद्यालय में आवंटन रखा है उसका साधारण सभा बुलाकर, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्य को हम निपटा लेंगे। कैसे प्लाट बांटेंगे उसमें? उसमें हमने ये किया है साहब कि कुल उसमें मेंबर है हमारे 1139, उसमें से 7 मेंबर हम प्रोमोटर डायरेक्टर हैं, तो प्रोमोटर डायरेक्टर ने बोल दिया कि हम प्लाट नहीं लेंगे, बचे 1132। हमारे पास करीब 980 प्लाट के आसपास हैं विभिन्न साइजों के, और 80 नक्शे में मंजूर है 10x10 की साइज के प्लाट जहाँ दुकानें बनेगी, तो इस प्रकार हो गई 1060। अब हमारे 1132 मेंबर हैं तो कुल कम पड़ रही है 72। हमने उसकी एक योजना बनाई है कि जिसके पास ज़्यादा दुकानें हैं वो 4 दुकान वाला 2 दुकान बड़ी पास में ले ले, ताकि उससे वो 62 की संख्या हमारी कवर हो जाएगी और हम 1132 ही आदमी को प्लाट देने में सक्षम। नया क्लास मार्केट शुरू हो जाएगा कुछ साल में केशरबाग रोड पे, यदि कोई कानूनी आपत्ति नहीं आई तो मुझे पूरा विश्वास है कि आवंटन होने के बाद 2 साल में कपड़ा मार्केट का निर्माण हो जाएगा, तो 2 या 3 साल में
लोगों को हम वहां दुकान देने की स्थिति में आ जाएंगे। तो लोगों की दुकानें यहाँ भी रहेगी और वहां भी रहेगी कि ये दुकानें बंद की जाएंगी? नहीं नहीं, अभी व्यापार धीरे धीरे बढ़ रहा है जी, क्योंकि वर्तमान मार्केट में तो पैदल चलना भी मुश्किल है, तो यहाँ पे रिटेल भी काफी हो चुका 15-20%। यदि हिम्मत करके लोग वहां चले गए थोक के व्यवसायी, तो वहाँ काफी स्कोप है, ये पूरा बाजार रिटेल हो सकता है। ये इंदौर में इतने मॉल खुल गए हैं, उसका कोई असर पड़ा मार्केट पे? नहीं, मार्केट पे माल का कोई असर इसलिए नहीं पड़ सकता साहब कि हमारे कपड़ा मार्केट के व्यापारी 5% में माल बेचते हैं जी। सूरत में जो 150 रुपए में मिलती है वो 105 रुपए में यहाँ बेच देते हैं, तो उनका मार्जिन बहुत कम है। तो आसपास के जितने भी 400-500 किलोमीटर तक के लोग हैं, इवन महाराष्ट्र आंध्रा तक के लोग कपड़ा मार्केट में आते हैं और होलसेल में माल ले जाते हैं, रेमंड का, सियाराम का, मयूर का, ये सब माल ले जाते हैं लोग, क्योंकि हमारे यहाँ के व्यापारी बहुत कम मार्जिन में धंधा करते हैं। हंसराज जी, जाते जाते एक आखिरी सवाल, जिस इलाके में आपका महाराजा तुकोजीराव क्लॉथ मार्केट है, वो इंदौर का बहुत ही प्राचीन, बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इलाका, हेरिटेज मार्ग उसे घोषित भी किया गया है। वहां इतनी शानदार इमारतें बनी है जो दिल्ली के चांदनी चौक में भी नसीब नहीं है, वहां भी नसीब नहीं। हमारे एक पत्रकार साथी मित्र आए थे राहुल देव इंदौर, तो वो क्लॉथ मार्केट के उस इलाके में गए, उन्होंने तमाम बिल्डिंगों की फोटो खींची, उन्होंने कहा कि यहाँ इस पर तो फिल्म बनाई जानी चाहिए और इस धरोहर को सहेज कर रखा जाना चाहिए। अब वहां पर कमर्शियल निर्माण हो रहे हैं, आप इस बारे में कुछ करेंगे? नहीं, धरोहर जो आप जो कपड़ा मार्केट के अंदर की बात है, वो तो एक शहर का बसा हुआ पूरा जी, उससे लगा, उससे लगा रुकमचंद मार्केट जी, जी लगा हुआ मार्केट है वो, दीपारी की बात है जहाँ शीश महल, रंग महल और कांच मंदिर है जी। तो वहां पे सरकार ने धरोहर जरूर घोषित कर रखा है, वहां से सब्जी वालों को भी हटा लिया, लेकिन उसको तो पार्किंग प्लेस बना दिया सरकार ने, वहां तो गाड़ियां पार्क हो रही है आजकल, उसके अलावा वहां पे कुछ भी नहीं है। तो धरोहर मार्ग की रक्षा प्रशासन कर रही है, प्रशासन नहीं कर पा रहा। हंसराज जी, आप हमारे आग्रह पर हमारे स्टूडियो आए, इतने व्यस्त समय में से आपने हमें समय दिया और हमसे हमें तमाम बातें बताई, और तस्वीर के दूसरे पहलू को आपने प्रभावशाली ढंग से रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही, आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं, YouTube का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है, या फिर आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं न्यूज मेकर्स डीजी न्यूज इंदौर, टाइप करने के बाद आपको हमारे तमाम पुराने और नए वीडियो वहां देखने को मिल सकते हैं, आज का हंसराज जी का ये इंटरव्यू भी आप वहां देख सकते हैं। आज इस कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।